इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कोपिंग आरी का प्रयोग कैसे किया जाता है। कोपिंग आरी का प्रयोग जटिल आकार बनाने और अंदर काटने के लिए किया जाता है। इन्हें केवल पतली लकड़ी काटने के लिए बनाया गया है जो एक इंच से अधिक मोटी न हो। जिन उपकरणों और मटेरियल की आपको आवश्यकता होगी वे हैं पेंसिल, गुनिया, लकड़ी, हाथ की ड्रिल और कोपिंग आरी। इसके लचकदार यू आकार के फ्रेम से मटेरियल में दूर तक काटने में सहायता मिलती है। कोपिंग आरी के ब्लेड को एक सिरे पर फ्रेम से अलग किया जा सकता है और लकड़ी के बीच में किए गए सुराख के बीच से निकाला जा सकता है। कोपिंग आरी में एक पतला ब्लेड होता है जो जटिल आकारों और तंग गोलाइयों को काटता है। आरी का हैंडल ऊपर की ओर पतला होता है जिसके कारण आरी चलाने के समय बेहतर पकड़ मिलती है। लकड़ी को शिकंजे में कसे। लकड़ी के तीनों ओर सीधी लाइन बनाने के लिए गुनिये का प्रयोग करें। पर्याप्त और मजबूत पकड़ के साथ हैंडल को अपनी उंगलियों और हथेली से पकड़े। आरी के ब्लेड को काटने की जगह पर रखें। जीरी बनाने के लिए ब्लेड को 2 से 3 बार आगे की ओर चलाएं। जीरी बनाने से ब्लेड अपनी जगह पर स्थिर रहेगी जब आप आरी से काटना शुरू करते हैं। एक हाथ से आरी पकड़ने के दौरान ब्लेड को अपनी कोहनी की सीध में रखें। दोनों हाथों से आरी पकड़ने के दौरान ब्लेड को अपनी छाती के सेंटर की सीध में रखें। कई बार अपनी ओर खींचते हुए काटना शुरू करें। ब्लेड टेबल के समानांतर और सीधा होना चाहिए। यदि ब्लेड तिरछा या मुड़ा हुआ है तो लकड़ी के एक ओर की कटाई दूसरी ओर की कटाई के बराबर नहीं होगी। किनारे से लकड़ी के सेंटर की ओर गोलाई काटने के लिए पहले पेंसिल की सहायता से काटने का निशान बनाएं। जिस जगह पर गोल लाइन किनारे को छू रही है वहां ब्लेड के लिए पेंसिल और गुनिये की सहायता से एक संदर्भ लाइन बनाएं। ब्लेड को इस लाइन पर रखें और ब्लेड को आगे की ओर चलाते हुए एक जीरी बनाएं। अब काटना आरंभ करें। जब आप गोलाई काटते हैं तब केवल एक ही गतिविधि को बदलने की जरूरत है और वह है फ्रेम को दाएं या बाएं घुमाना। फ्रेम को घुमाने से ब्लेड भी घूमेगा और गोलाई बनाएगा। ब्लेड को लाइन के साथ साथ चलाएं। कट से बाहर निकालने के लिए ब्लेड को आगे और पीछे चलाएं। उस लाइन को काटने के लिए जो लकड़ी के किसी किनारे को छू नहीं रही है लाइन के साथ पहले एक सुराख बनाएं। अब उस लाइन को बनाने के लिए इस सुराख को शुरुआती बिंदु के रूप में प्रयोग करें जिसके साथ साथ आप काटेंगे। आरी के हैंडल को ढीला करें और ब्लेड निकालें। ब्लेड को सुराख के बीच से निकालें और फ्रेम को वापस लगाएं। कोपिंग आरी के फ्रेम को गाइड करें और लकड़ी पर गोलाई के साथ काटना आरंभ करें। काटते समय नियमित गति से आरी चलाएं। काटने के दौरान गति बदलने से गलत कट सकता है। ब्लेड पर बहुत अधिक दबाव न डालें क्योंकि यह पतला होता है और टूट सकता है। लकड़ी पर बनी लाइनों पर हर समय नजर रखें ताकि उनके साथ साथ काट सके। ब्लेड को सिरे से अलग करते हुए लकड़ी से बाहर निकालें। अब आपने कोपिंग आरी का प्रयोग करना सीख लिया है।